नमस्कार, शारदा माँ निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाला से मैं विजयपाल सिंह आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। पहले हमने नंबर सिस्टम में किसी नंबर को वर्ड्स में लिखना पड़ा था। आज वर्ड्स में अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो उसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको पीरियड्स के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। आपको जो टेबल मैंने बनवाई थी, वंस पीरियड, उसमें थ्री प्लेसेस होते हैं, उसके बाद थाउजेंड्स में टू, लाख में टू, करोड़ में टू। तो इंडियन सिस्टम में पहले पीरियड में थ्री डिजिट होते हैं, उसके बाद टू टू डिजिट्स होते हैं। बस पीरियड्स का क्रम आपको ध्यान रखना है, सीरियल भी ध्यान रखनी है कि वंस पीरियड के बाद आता है थाउजेंड, थाउजेंड के बाद लाख, लाख के बाद करोड़। तो इस प्रकार से हमें तो ध्यान रखना है। अब जैसे ही नंबर नेम है 4,35,103, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं तो लैक 4 लैक आया है, थाउजेंड आया है। तो जब लास्ट पीरियड जो आया है वो आया है लैक, तो हम लैक से स्टार्ट करते हैं। लैक, लैक के बाद जो पीरियड आता है वो आता है थाउजेंड, और उसके बाद वंस पीरियड आता है। तो वंस पीरियड में थ्री डिजिट्स होते हैं और थाउजेंड्स में टू डिजिट होते हैं, और लैक में टू डिजिट हो सकते हैं। अगर वन डिजिट बोलेगा तो वन डिजिट ले देंगे, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट पीरियड है तो इसमें या तो वन डिजिट या टू डिजिट कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो लैक में हम देखें यहाँ केवल है फोर, तो हम लैक पीरियड है उसमें लिख देंगे फोर, ठीक है। उसके बाद थाउजेंड में है 35, तो थाउजेंड में टू डिजिट में लिखना है हमको, तो ये लो सारा में 35, तो 4,35,000। और उसके बाद 103, तो 103 को आप लिख सकते हैं 103, तो ये थ्री डिजिट्स हो गए, तो वंस पीरियड के तीनों डिजिट कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हो गया 4,35,103, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले पर, आप देखते हैं इसमें 52 लाख, फिर से लाख से स्टार्ट हो रहा है, तो हम पहले पीरियड्स लिख देते हैं लाख, फिर थाउजेंड, फिर वंस, ठीक है। वंस में वही थ्री डिजिट, उसके बाद कॉमा, थाउजेंड में टू डिजिट, कॉमा, लाख में टू डिजिट, ठीक है। तो हम देखते हैं लाख में क्या है, 52, तो हम लाख पीरियड में लिख देंगे 52, उसके बाद कॉमा आ गया 52 लाख, ठीक है। उसके बाद थाउजेंड में देखेंगे वन आया है, वन, तो वन तो एक सिंगल डिजिट है और हमको यहाँ डबल डिजिट लिखना है, तो वन को डबल डिजिट में कैसे लिखेंगे, 01 01 लिखेंगे तो वन ही रहेगा, लेकिन अगर इसको हमने 10 कर दिया तो 10 हो जाएगा, इसलिए हमको 10 नहीं, हमको तो 1 लिखना है, तो 1 से पहले 0 लगा देंगे। तो ये 01 यानी कि थाउजेंड्स पीरियड के दो डिजिट, टू डिजिट कंप्लीट हो गए। अब वंस में हमको थ्री डिजिट लिखने हैं, लेकिन बचा क्या, केवल फोर, फोर को थ्री डिजिट में कैसे लिखेंगे, 004, ये अनुसार ये थ्री डिजिट कंप्लीट हो गए। तो इस प्रकार से आप देखते हैं ये हो गया 52,01,004, ठीक है। अब इसके बाद ये आया करोड़, करोड़ से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले हम करोड़ ले लेंगे, फिर लैक आता है, फिर थाउजेंड आता है, फिर वंस आता है, इस प्रकार से आता है, ठीक है। तो यहाँ कॉमा लग जाएगा, इधर वंस में आता है थ्री डिजिट, फिर थाउजेंड में टू डिजिट आना चाहिए, उसके बाद लैक में टू डिजिट आना चाहिए, और करोड़ में टू डिजिट आना चाहिए, या लास्ट पीरियड है जिसमें जितना डिजिट वो बोलेगा उतना जाएगा। तो करोड़ में आप देख रहे हैं 9 है, तो 9 लिख देंगे हम केवल यहाँ पर करोड़। उसके बाद लैक में है 4, लेकिन लैक में हमको क्या लिखना है, टू डिजिट्स, इसलिए 4 तो सिंगल डिजिट नंबर है, तो टू डिजिट में इसको कैसे लिखेंगे, 04, ये हो गया 4 लैक, ठीक है। उसके बाद लैक के बाद थाउजेंड आया है, लेकिन यहाँ थाउजेंड तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब थाउजेंड्स पीरियड इसमें खाली है, फ्री है, इसका मतलब थाउजेंड में कुछ तो आएगा, तो थाउजेंड्स पीरियड में हम क्या करेंगे, 00 लिख देंगे। 00 लिखना पड़ेगा क्योंकि टू डिजिट तो लिखने ही पड़ेंगे,
सीरियडली से देखने पड़ेंगे, पीरियड्स को हम आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। तो थाउजेंड सीरियड में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको वहां पर डबल जीरो लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद आपको देखना है 710, तो 710 हम कैसे लिखेंगे, थ्री डिजिट में लिखना है, तो ये 710 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हो गया 9,04,710, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बस ध्यान ये रखना है कि आपको जो पीरियड्स है उनको सीरियलिटी से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी हाईएस्ट जो पीरियड होता है उससे लोएस्ट की तरफ चलना है, ठीक है। तो जैसे लैक से स्टार्ट होगा तो लैक के बाद थाउजेंड लाना पड़ेगा, थाउजेंड के बाद वंस लाना पड़ेगा, करोड़ से स्टार्ट होगा तो करोड़ के बाद लैक लाना पड़ेगा, लैक के बाद थाउजेंड लाना पड़ेगा, थाउजेंड के बाद वंस लाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर आप अलग अलग प्रकार के नंबर नेम लिखो अपने मन से, किसी नंबर नेम में कोई पीरियड गायब कर दीजिए, किसी में कोई पीरियड गायब कर दीजिए, किसी में कोई प्लेस गायब कर दीजिए, आप देखेंगे बहुत इजीली आप नंबर लिखना सीख जाएंगे। नंबर नेम से नंबर लिखने में बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। नंबर से नंबर नेम लिखना तो फिर भी कर लेते हैं, लेकिन नंबर नेम से नंबर लिखने में बहुत गलतियां होती है। लेकिन अगर आप पीरियड के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे तो किसी प्रकार की कोई गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार करें। थैंक यू।